अपन कौन से रेसिपी बनाने वाले हैं, तो बने रहे मेरी वीडियो में एंड तक। और जो है मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स आज हमने लिया है बेसन, थोड़ा सा हमने ऐड किया है अजवाइन, थोड़ा सा ऐड किया है हल्दी, हल्दी के बाद हमने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा नमक, और अब जो है उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके हमें जो है बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना है ताकि जो हमारा पैटर्न बन रहा है ज़्यादा ऑयल वाला ना बने। और हमने इसमें अभी हम ऐड करेंगे वाटर भी हमें ज़्यादा लेना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके बेकिंग सोडा भी डाला है हमने इसमें। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, देखिए फ्रेंड इस तरह से हमें है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमें ऐड करेंगे इसके अंदर वाटर, पानी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है ताकि हमारा जो आटा है वो ज़्यादा मुलायम भी ना हो और ज़्यादा हार्ड भी ना हो, जितना हार्डपन इसमें चाहिए। तो हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इस टेस्टर को थोड़ा मिनट 10 मिनट टेस्ट करने के लिए रखेंगे इसको डो बना के। ओके इस तरह से हमें रेडी कर लेना है इसको 10 मिनट रेस्ट करने के रखेंगे। अभी हम यहाँ पर फर्स्ट फ्राई करके देख रहे हैं कि कैसा बना है। अभी हम ट्राई कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाला हम अभी बना के देख रहे हैं कि कैसा बन रहा है। उसके बाद से फिर देखो कैसा बन रहा है, अच्छे से बनेगा। इस तरह से हमें फिर आटा लेना है, जस्ट ट्राई कर रहे हैं। अभी ट्राई करने के बाद अब ये हमारा जो फाफड़ा है अच्छी तरह से तैयार हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वानी को चेकअप कराने के लिए चेक दिखाने के लिए आई थी, बेटा चेक कर लो कैसा बना है। वानी जो है तो मैं इसको गर्म गर्म लग गया, और यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि म्यूज़िक भी बज रहा था। तो जब म्यूज़िक बजता है तो जैसे हम वीडियो में आता है तो हमारे कॉपीराइट क्लेम लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। और देखो यहाँ पर मैं चेकअप चेक करा रही हूँ वानी से कैसा बना है। तो देखो कैसे वानी बोल रही है, हेलो वानी, अच्छी यम्मी भी बन रही है, बता रही है यम्मी भी बना है। और यहाँ पर जो है वानी के बाबा जो है ये तो बना रहे हैं, ये देखो इस तरह से आधा कट करके दिया है क्योंकि पतला रखना है हमें, ज़्यादा मोटा नहीं लेना है। जितना पतला रखेंगे उतना ही आपका जो है फाफड़ा अच्छी तरह से कड़क होगा। और देखो इस तरह से हमें रखना है और इस तरह से बनाना है, लेकिन यहाँ पर जो है जो साइड में जो मोटा रह जाता है ना वो मोटा नहीं रखना चाहिए, पतला ही रखना है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आपको देखो चाकू भी जो है एकदम से स्लाइड से मतलब लेना है और नहीं बनाना है, तो हम इस तरह से एक एक करके बनाते जाएंगे और आप देखिएगा कैसा बन रहा है। और इस तरह से हमें एक एक करके यहाँ पर जो है सारे बनाते जा रहे हैं। और आपको जो है यहाँ पर बना के रखना नहीं है, बना के और एक तरफ बनाते जाइए और एक तरफ फ्राई करके जाइए, तो क्या है कि आपका जो बना है फाफड़ा वो कड़क होगा और क्रंची बनेगा। तो इस तरह से हमारा फाफड़ा रेडी हो जाता है। उसके बाद जो है फाइनली हमारा फाफड़ा रेडी हो चुका है, ये देखिए। और इस तरह से हमें रेडी कर लिया है, और देखिए किस तरह खस्ता बना है ना, देख सकते हैं आप इस तरह से हमें कुरकुरे रखने हैं, देखिए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 7 और वाने की फरमाइश आई कि पापा मुझे चाहिए फ्रेंड फ्राइज, तो उसके पापा जो है फ्रेंड फ्राइज कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, बटर नहीं करवाना। हमें ले लेना है कॉर्नफ्लोर, हमने यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए लिया है आलू जो आपने दिखाया कि कटिंग करे थे इसके पापा, तो इसमें ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर,
हल्दी, नमक और कॉर्नफ्लोर एंड मैदा नहीं था, इसलिए हमने मैदा अवॉइड किया है, स्किप किया है। तो ये देखिए अभी ज़्यादा मतलब पतला हो गया था इसलिए ऐड किया है, फिर से कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। तो इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से हमें हाँ, और इसमें एक ऐड किया है बेसन, तो हमने यहाँ पर बेसन भी ऐड कर लिया है। और थोड़ा सा यहाँ पर पानी हमने तेल भी गर्म करके रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छी तरह से हमारा फ्रेंच फ्राइज रेडी हो रहा है। और एक एक करके आपको बस अंदर ऐड करके जाना है। उसके बाद जो है वानी के बाबा ही बनाते हैं, क्योंकि वानी के फ्रेंड्स वानी की फरमाइश पे वानी के बाबा ने बनाया है फ्रेंच फ्राइज। तो देखिए अब वानी ट्राई करके बताइए कैसा बना है। तो बताइए वानी बेटा कैसा बना है, गरम गरम लग गया। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो है वानी के बाबा फिर से कुछ बना रहे हैं, तो मैंने उनसे जाके पूछा कि क्या बना रहे, तो बोल रहे हैं कि अनियन विथ एग बना रहे हैं। तो मुझे खुद नहीं पता था कि ये क्या बनता है। तो देखिए आगे 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 वीडियो में क्या क्या वो कैसे बनाते हैं, तो बने रहे मेरी वीडियो में। तो यहाँ पर जो है वानी के बाबा ने यहाँ पर एग ले लिया है, मैं यहाँ पर बोल भी रही हूँ लेकिन आवाज़ से ज़्यादा तो कुछ आवाज़ आती है ना एक्स्ट्रा, तो उसमें मेरा कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप बने रहे मेरे वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एग ले लिया है और मैं भी देख रही हूँ कैसे बना रहे हैं। इसके बाबा तो देखते हैं कि आगे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एग ले लिया है और यहाँ पर वानी के पापा का स्पेशल चाकू है, तो इसी से बनाते हैं। और ये मुझे यहाँ पर बोल रहे हैं कि रोटी तुमने छोटी बना ली है, तो बोले कि मैंने बोला था कि बड़ी रोटी बनाना, तो यहाँ पर मैंने मुझसे जो है छोटी रोटी बन गई है। तो आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी रोटी बनानी है। बड़ी रोटी बनाने के बाद यहाँ पर एग जो आपने बनाया था उसी में आपको बनाना है। और मैं यहाँ वानी से पूछ रही हूँ, चलो बनाओ। पापा क्या बना रहे हो पूछो, पापा क्या बना रहे हो पूछो, तो सही पापा से पूछो, पापा क्या बना रही हो पूछ दो। अरे आप बोलो ना पापा क्या बना रहे हो पूछो। यहाँ पर हमारा रोल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अनियन ले लिया है। अनियन लेने के बाद इसमें ऐड किया है पोटैटोस जो बटाटा रहता है, आलू जो रहता है आलू जो रहता है वही आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो वही सब्ज़ी डाली है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सॉस डाल रहे हैं। सॉस डालने के बाद आपको यहाँ पर अच्छी तरह से बनाना है। देखिए किस तरह से बना रहे हैं, तो आप देखते रहे और कैसा बनना है वो मुझे कमेंट में बताना। तो जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस तरह से हमें देखिए रोल बना लेना है, और गरम ना गरम रोल इतना अच्छा लग रहा है टेस्टी खाने में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस तरह से हमें दूसरा बना रहे, तो मैं इसका बजट नहीं बना रही, तो बने रहे मेरी वीडियो में। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक चैनल को वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच रही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।